जुहार बीएन न्यूज रे स्वागत। बरपाली रे गत समियाने रास्ता तराने थिबा दोकानी मान के उच्छेद करा जायथिला। परे तांकर गुटे लिस्ट बनागला, किंतु अभिजोग रही छे जे ठीक दोकानी मान के सुविधा नहीं मिली। सेतिर लागी आज 10 जून दिने बरपाली नगर बीजेपी पक्ष तरफनु बरपाली एनएससी रो भार प्राप्त अधिकारी के गुटे दावी पत्र प्रदान करागला। देखों सही अवसर और बीएन न्यूज संवाददाता सुशांत गर्त्यांग को रिपोर्ट। अपन स्वस्थ रहन, सुरक्षित रहन, आम और ही कामना। आज अपन का परिचय दे देबे। मैं सुरेंद्र पात्र बरपाली। अच्छा आज आगे अपन मन के का दिन लगे एक्शन बरपाली एनएससी यंग को दावी पत्र दे। आज हम भारतीय जनता पार्टी तरफ आमे नगर मंडल रे जेन इथा दुकानी मानगर सहायता लगी जो गवर्नमेंट जो सहायता डिक्लेयर करिचन से डिक्लेयर उचित लोक पाउन आ उचित सर्वे हेकर से कामटा हो बोली आमे एनएससी माननीय जीव को दावी पत्र दे। आज्ञा आपन का परिचय देबे। मोर नाम पद्मलोचन साहू, बरपाली बीजेपी नगर मंडल सभापति। मु आमे बरपाली विज्ञापित अंचल परिषद रो जिन माने सहरांचल रे रहउछन उठा दुकानी मान से उठा दुकानी मान कर माने उचित सर्वे करा जाइगिरी जिन माने प्रकृत योग्य लोग आन से मानक से जिन बराद देछन सरकार से पैसा के सामान को प्रदान करा जे बोली हमर बीजेपी पक्ष आज दावी है जे। तार आगर कोविड रो प्रथम पर्याय जिन सरकार दे सहायता दे उठा दुकानी मान को ताकर जीविका हरबार लगे से मानक जिन सहायता प्रदान कराइला से आमको ठीक ना लगला से तार सर्वेटा ठीक ना थिला बोली आमको परिलक्षित है। अथच आम जानवाली पालू जी जेन टाइम रे बरपाली रो बरगढ़ रो बलांगीर माने ये रास्ता तैयार है NH26 एवं जगन्नाथ रोड रो उच्छेद कराला एनएससी पक्षर से टाइम रे जेन माने जीविका हर रही उठा दुकानी माने जो मैंने बजार व्यवसाय करछन से माने भी उठा दुकान रे ये जाउछन इनु से माने अति माने छोट श्रेणी लोग माने जे माने उठा दुकानी अछन से माने नै पे पारि पड़ता किनो बड़ बड़ के माने से माने पैसा पाई जाइछन जेन माने से जगह रे नै न भी से माने भी पाई जाइछन किनो आमे सेटा के नै चाहबार सेति लेगी आज बरपाली विज्ञापित अंचल परिषद रो कार्य निर्वाही अधिकारी मान्यवर श्री प्रमोद चंद्र मेहर को आम गोटे बीजेपी नगर मंडल पक्ष दावी करूचु जे वर्तमान कोविड समय भितर जिन माने जीविका हरिजन उठा दुकानी मान को से मान को चिन्हट कर प्रकृत चिन्हट कर से अर्थराशि प्रदान करून आर से माने जिन माने दुकानी माने अछन से माने ठीक भाव रे पाई पारन बोली आमर दाबी हि छे। आज्ञा गत थरो जन पैसा देले कोन भूल लोकन को भी पैसा दिया होई? हां निश्चित भाव भूल आमर नजर रे भूल लोकन को दिया जाई छे बोली आमे अनुमान कलु बोली आज बीजेपी नगर मंडल ई पदक्षेप नै छे जेंटा कि नुआ जेन माने कोविड समय रे जेन माने जीविका हरैछन से मान को प्रकृत चिन्हट कर से पैसा दिया नै जेते बोली कि आमर पर लिखित हला तेणु करी आज आमे बीजेपी नगर मंडल पक्षर दाबी करछु जे नुआ जेन माने कोविड समय भितर प्रथम द्वितीय पर्याय पर तृतीय पर्याय के जीवा लागि बसलानो से टाइम रे जेन माने जीविका हरै कि ये करछन से मान को से पैसा दिया। अच्छा भूल लोक को देले बोली आपन अनुमान कोले कि का प्रमाण भी होवे? अनुमान को जो प्रमाण भी हमर पाखे अछि जे ओथा लोक को तार माने पैसा मिली जे जेन माने दुकान माने से ने बड़ बड़ किया लोक मान को हाथ से पैसा पड़ी जे इनो गरीब लोक माने जेन माने आज बाजार रे भी बसु जन से माने भी उठा दुकानी लोक आन से मान को ताने भी ऐसे पैसा मिलवार आवश्यक है इनो से बाजार रे जेन माने दि पैसा रोजगार करछन 50-100 टका भी पहले से मान को परिवार चलु जे से माने माने आज का जीविका हरे करी घरे बसी करी भूखे उपास रे ई कोविड समय रे बसी रहछन ताकर चलबार ताकर परिवार पोषण करबाली बहुत प्रॉब्लम होचे तेनो करी से मान को ई पैसाटा जे ना सुचे सरकार कर से ठीक उपयोग करून बोल के हमर दाबी होचे। अच्छा एटा प्रथम थोर देले कि अगर भी दे दिले नेक्स्ट टाइम एटा दुई नंबर पर जाई दे पैसा सरकार सहायता जोगैसन इधर आगनु केबे दे दिले आपन? नहीं आमे दाबी पत्र से टाइम रे नै दैती किंतु आमे जानबाली पालु ई प्रॉब्लम माने रहिछे तेनो करी सठिक लोक को चयन करे जी माने ई पैसा दिया जे बोले आज आमे दाबी करू। बीजेपी तरफ नु जेन दाबी पत्र दौन का देखे सर्वे उठा दुकानी
45 ଜଣଙ୍କ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ 45 କରାହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଡିସନାଲ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ୍ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ବି କରାଇଥିଲେ ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ବି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଏଡିସନାଲ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି 90 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରହିଯାଇଥିଲେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା 90 ଜଣ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସେମାନେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଗତଥର ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏହି ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ।